सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम पुसवन संस्कार के बारे में बात करेंगे। हम हमारे वीडियो में ऑलरेडी सिमंतोनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चौल संस्कार के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम पुसवन संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। इस संस्कार में हम देखेंगे कि पुसवन संस्कार क्या है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में संस्कारों का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये जो है वो बच्चे के जीवन का दूसरा संस्कार है। फर्स्ट है गर्भधारण संस्कार और दूसरा है पुसवन संस्कार, जो पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है वो बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा नक्षत्र है। हमारा जो अगला वीडियो है जात कर्म संस्कार या तो सुवर्ण प्राशन संस्कार, उसमें हम पुष्य नक्षत्र के बारे में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना जान लें कि पुसवन संस्कार पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। और एक माता को ये संस्कार कब करवाना है, तो ये संस्कार गर्भधारण के बाद किया जाता है। गर्भधारण के बाद दूसरा माह खत्म होने से पहले किया जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर इसे देखें तो जब माँ को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो ये न्यूज़ मिलने के बाद जो पहला पुष्य नक्षत्र आता है उस दिन ये संस्कार किया जाता है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन दूसरा महीना खत्म होने से पहले पुसवन संस्कार करना है। पुसवन संस्कार क्यों करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक मान्यता है कि पुसवन संस्कार जिसको बेटा चाहिए उसे करना है, या तो पुसवन संस्कार करने से बेटा आता है। देखिए, हमारे शास्त्र में जो 16 संस्कार की बातें की है तो वो इतनी शुद्ध है, वो हमारे मतलब मानव के लिए किया गया है, उसमें कोई जाति भेद लिंग भेद नहीं है। तो ये 16 संस्कार का किसी लिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम हमारे सभी संस्कार देखते हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, सबके लिए ये संस्कार होता है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा और हम सब भी, हमारे सबके अंदर दो तत्व है, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, और इसीलिए हर एक मानव अर्धनारेश्वर स्वरूप है। तो ये बात ज़रूर है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें जो पुरुष तत्व है उससे ये संस्कार और भी बलवान बनाता है, मतलब कि मस्कुलाइन एनर्जी को ये पोषक है, राइट। तो इसके इतना जानने के बाद हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि पुसवन संस्कार से हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ बनता है, तेजस्वी बनता है, बलवान बनता है। तो ये हमारा बेटा हो या बेटी, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, बलवान हो, तेजस्वी हो। तो पुसवन संस्कार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए है। अब हम जानते हैं कि पुसवन संस्कार किया कैसे जाता है। तो पुसवन संस्कार के दिन गर्भस्थ शिशु के माता पिता स्नानादि कर्म से निवृत्त होके गणपति की पूजा करते हैं और ईश्वर को अपने बच्चे के स्वस्थ स्थापन और विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अगर आपकी अनुकूलता है तो यज्ञ किया जाता है और उसमें गायत्री मंत्र का चंटिंग किया जाता है। यज्ञ के समाप्त होने पर खीर की आहुति दी जाती है और इसी खीर को माता पिता प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो भी परिवार वाले बुज़ुर्ग लोग उपस्थित है उसके आशीर्वाद लिए जाते हैं और यथाशक्ति गौदान किया जाता है या तो पुण्यदान किया जाता है। तो ये हुआ हमारे हर एक संस्कार में, जो ये कॉमन है, इष्ट देव की पूजा से यज्ञ ये सब कॉमन रहता है। इस दिन पर्टिकुलरली माता को नस्य के स्वरूप में एक विधि की जाती है जो सिर्फ माता को करनी है। यहाँ पे गाय के दूध के साथ कुछ औषधियाँ मिलाई जाती है और इस मिश्रण की 3 से 4 बूंदे माता की नासिका में डाली जाती है और यहाँ पे औषधि के स्वरूप में सहदेव लक्ष्मणा या तो वटश्रृंग का उपयोग किया जाता है। और ये औषधियों के कौन से भाग का कैसे उपयोग करना है वो जो ये संस्कार करते हैं ये उनका विषय है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत शायद नहीं है। तो
ये जो नस्य कर्म है, हम जानते हैं कि हमारा नॉस्ट्रिल का ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है और ये हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो ये पुष्य नक्षत्र को अगर साइंटिफिकली देखें तो ये हमारे मदरहुड के हॉर्मोन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्वस्थ बनाता है, ताकि वो गर्भ में बच्चे पल रहे बच्चे को नरिश कर सके, पोषण दे सके। तो पुसवन संस्कार हमारे 16 संस्कार में से दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है। गर्भवती माता को 2 माह ख़त्म होने से पहले ये करवाना है और ये हमारे हर एक जो संस्कार है, चाहे हम उसको धार्मिक विधि माने, लेकिन उसका साइंटिफिक पहलू है, उसका हमारे हॉर्मोन्स के साथ, हमारी एनर्जी के साथ, हमारी चेतना के साथ कनेक्शन है। तो हमें इस संस्कार का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर एक गर्भवती महिला को ये पुसवन संस्कार करवाना अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।